वाओ, तब तक मैं पान खाता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ संजय और मैं अभी घर पे ही हूँ। और आज की गाइज, आज की मौसम थोड़ा ठंडा है। वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आप लोगों को आज मैं दिखा रहा हूँ मिथिला की पान मखान, तो बहुत फेमस है। और पान एक बिजनेस पर्पस से भी लगाया जाता है कि एक पान की कीमत लगभग 10 रुपया है। आप ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि आपके यहाँ एक पान कितने में मिलता है। दिखा रहा हूँ जो कि पान की प्लांट्स कैसी होती है और कैसे किया जाता है। आप लोग देखिए, यही पान की पूरा प्लांट्स है जो कि मेरे घर के ऊपर आप देख रहे होंगे, जो कि मेरे घर के ऊपर भी चला गया है और बहुत बहुत आगे तक बढ़ गया है, जो कि मैंने थोड़ा सा एक भाग को ही लगाया था। और आगे में देख सकते हैं आप लोग, नीचे भी देख सकते हैं, नीचे भी देखिए पूरा कितना कितना दूर में फैल गया है। अरे वाह, कैसा लग रहा है आप लोगों को गाइस? इसे लगाने के लिए आप यहाँ से जो भाग है, अब इसको यहाँ से आप हल्का इसको तोड़ के और दूसरी जगह आप सब मतलब इसको लगा सकते हैं। और मैंने ऐसा एक जगह किया भी हूँ और उसको भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। दिखा रहा हूँ जो कि मैं बोला था, जो कि आप लोगों को दिखाऊंगा, जो कि एक छोटी सी मैं इसकी भाग को वहाँ पे एक दूसरे जगह लगाया था, उसका कैसा हाल। तो आप लोगों को मैं आ गया हूँ, तब तक मैं पान खाता हूँ। हाय गाइस, तो देखिए मैं जो बोला था, जो कि एक इसी भाग को मतलब छोटे से भाग को हमने लगाया था जो कि दूसरे जगह पे, उसकी आप हाल देखिए। लगभग बहुत दिन हो चुका है और देखिए अभी ये इसका ये हाल है। ये एक छोटा सा भाग था, इसको लगाए हैं, यही अब इसकी विस्तार हो रही है जो कि आप लोग देख रहे हैं। एक मतलब इसमें लगाने के लिए कुछ नहीं किया जाता है, जहाँ पे मिट्टी में नमी हो और आसानी से लग जाती है। अपने बगीचे के बारे में दिखा देता हूँ और सब क्या क्या है, तो आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। देख रहे हैं, ये भी एक फूल की गाछ है जो कि इसे हम लोग तो सिंघार का फूल बोलते हैं, बट लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो कि आप लोग इसे क्या कहते हैं। ये रोज की फूल है। वाओ, आप लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ये चिली की प्लांट्स है। ये भी एक, इसे हम लोग जटरधारी कहते हैं, मतलब जटरधारी जो कि भोले बाबा को चढ़ाया जाता है ये फूल। आप लोग जो देख रहे हैं, इसकी सब्जी बनाई जाती है। हम लोग तो इसे एरकोंच और कंच भी कहते हैं, बट आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग मुझे शेयर कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइए जो कि आप लोग क्या कहते हैं, और शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। और इसकी सब्जी बहुत अच्छी होती है। आगे मैं दिखा रहा हूँ, ये भी एक सब्जी का ही मतलब प्लांट्स है जो कि बोरा बोला जाते छोटे हैं, इसलिए आप लोग ये जो देख रहे हैं जो कि लेमन का ट्री है। अभी होगा भी इसमें, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो कि अभी इसमें लेमन छोटा छोटा ही है, जो अभी बढ़ेगा। आप लोग जो देख रहे हैं, देखिए अभी छोटा छोटा ही लेमन है। ये हल्दी है, कटहल होता है ना इसका तब, बट लेकिन ये सुखा गया। पपाया का है, छोटे ही है, अमरूद बोला जाता है, ये भी अभी छोटा ही है, अड़हुल का फूल बोला जाता है। आप लोग आज जो पीछे देख रहे हैं, जो कि ये बहुत बड़ा विशाल तालाब है, अभी तो मतलब पानी बहुत हुआ है तो पूरा भरा हुआ है। थोड़ा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बहुत जंगल है गाइज, इधर देखिए पूरा कुंभी से भरा हुआ। हाय गाइज, तो आज की ब्लॉग में इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा गाइज। आप लोग यदि देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें हमारे वीडियो को।